नमस्ते जी भाई जुजू, मैंने मीडिया में बहुत चीज सुना है कि हम लोगों को अलायंस का ऑफर मिल रहा है यहां से वहां से। मैं आप सबको एक बात आज क्लियरली बोलना चाहता हूं। अगले 2-3 दिन के अंदर तिपरा मोथा अपना कैंडिडेट का लिस्ट फाइनल करके रिलीज करेगा। बहुत लोगों ने मुझे फोन किया है और मुझे दुख लगता है कि बहुत लोग जो मेरे ही पार्टी से हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि कुछ तो मिल रहा है, अलायंस कर दीजिए, कुछ तो मिल रहा है। मैं कुछ तो मिल रहा के लिए मैंने तिपरा मोथा को और अपने गांव में जो हमारे गरीब तिपरासा है, जो भूखा है, जिसके पास कपड़ा नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, वो जो आशा बनाकर बैठा है कि बुबागरा आपको कुछ देगा, हमारा देश में हमें कुछ मिलेगा 70 साल के बाद, मैं उस कुछ के लिए नहीं आया हूं। मैं संविधान का हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन चाहिए। आज हम लोग भूमिहीन हैं और हमें अगर अपना जमीन को बचाना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलना पड़ेगा। इसके लिए मैं फाइट कर रहा हूं। कुछ मिल गया, कहीं मैं खैरात में कुछ मिल गया, उसके लिए मैं नहीं आया हूं। हां, दूसरे पार्टी के पास बहुत अस्त्र है, सामान है, पैसा है, हमारे पास हमारा तिपरासा का विश्वास है और मैं अपने लिए फाइट नहीं कर रहा हूं। बहुत लीडर लोग जिस मैंने देखा है आज 2-3 दिन में कि उनको सिर्फ अपने बारे चिंता है, उनको एमएलए बनने का चिंता है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है, लेकिन बुबागरा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। और मैं अपने वॉरियर्स को सबको एक मैसेज भेज रहा हूं और सब जो देख रहे हैं मुझे, मैं उनको एक मैसेज भेज रहा हूं, मैं कॉम्प्रोमाइज करके अपने लोगों का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। अगले 2-3 दिन में तिपरा मोथा अपना कैंडिडेट का लिस्ट निकाल के लाएगा और हम लोग इलेक्शन में फाइट करेंगे। अगर किसी को आखिरी मोमेंट में बात करना है तो अपने मुझे राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्टीज दीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन फॉर आर प्रॉब्लम, आर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल। अगर आपने राइटिंग में नहीं दिया तो हम किसी से बात नहीं कर रहे और करना भी नहीं है। हम अपने बलबूते में फाइट करेंगे और अपने लोगों को धोखा नहीं देंगे। मैं आपको और एक बात बोलना चाहता हूं, प्लीज सुन लीजिए। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, भगवान ने मुझे घर दिया, पैसा भी दिया, लेकिन मैं ये पैसा और ये घास नहीं तोड़ूंगा। अगले 2-3 दिन में तिपरा मोथा अपना कैंडिडेट का लिस्ट निकाल के लाएगा और हम लोग इलेक्शन में फाइट करेंगे। अगर किसी को आखिरी मोमेंट में बात करना है तो अपने मुझे राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्टीज दीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन फॉर आर प्रॉब्लम, आर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल। अगर आपने राइटिंग में नहीं दिया तो हम किसी से बात नहीं कर रहे और करना भी नहीं है। हम अपने बलबूते में फाइट करेंगे और अपने लोगों को धोखा नहीं देंगे। मैं आपको और एक बात बोलना चाहता हूं, प्लीज सुन लीजिए। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, भगवान ने मुझे घर दिया, पैसा भी दिया, लेकिन मैं ये पैसा और ये घर लेकर जब मैं जाऊंगा ऊपर, तो मैं पैसा लेकर नहीं जाऊंगा, अपना संपत्ति लेकर ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं एक अच्छा नाम लेकर ऊपर जा सकता हूं और अगर मेरा अपना अच्छा नाम रखना है तो मैं कॉम्प्रोमाइज करके अपने देश को नहीं बेच सकता, अपने लोगों को नहीं बेच सकता। ये फाइट
जो लोग बोल रहे हैं कि मुझे एमएलए बनना बनना मैं चला जाऊंगा, आप चले जाइए। जो लोग बोल रहे हैं कि अगर आप ये करेंगे तो हमें मुझे ये चाहिए, आप आपको एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग भी शर्म करो। ये फाइट हमारा 13 लाख लोगों का है, ये फाइट सिर्फ 20 लोगों को कहीं में पहुंचाने का नहीं है, 25 लोगों को एमएलए बनाने का नहीं है, 30 लोगों को एमएलए बनाने का नहीं है। ये फाइट हमारा अधिकार का है, और ये अधिकार आपके पास तभी आएगा जब कानून बनेगा, आईन बनेगा, संविधान में बनेगा, और हमें अपना प्रोटेक्शन मिलेगा। तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तिपरा मोथा वॉरियर्स, मैं अगले 3 दिन के अंदर, 2 या 3 दिन के अंदर मैं कैंडिडेट्स का लिस्ट निकालने वाला हूं। आप लोग रेडी हो जाइए। मत पूछिए कि कौन आपका एमएलए बनेगा, ये पूछिए कि तिपरा लैंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ग्रेटर तिपरा लैंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मत पूछिए कि ये मेरा एमएलए होगा या ये हमारा एमएलए होगा, ये पूछिए कि अगर थानसा रहा तभी 13 लाख लोगों को कुछ मिलेगा। ये फाइट 2-3 लोगों का नहीं है, ये फाइट थोड़ा वीआईपी बनाने के लिए नहीं है, ये फाइट हमारा फ्यूचर का है, ये फाइट हमारा नेक्स्ट जनरेशन का है, और ये फाइट मैं अकेला लड़ रहा हूं और मैं लड़ूंगा। अगर आपको मेरा संग रहना है तो रहिए, साथ देना है तो दीजिए, और अगर आपको जैसे पहले बड़ा बड़ा बात करके इलेक्शन के पहले कॉम्प्रोमाइज करके सीट एडजस्टमेंट करके लेकिन अपने लोगों का राइट्स को ना देकर आपने अगर अलायंस किया तो हमारा तीपरा सा हमको कभी माफ नहीं करेगा। बेलाइनो हम बाय, थैंक यू खुलुमखा पत्रुतु। ब्यूरो रिपोर्ट खुब बोई।